हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। बिना दूध बिना मावा सिर्फ 10 मिनट में टेस्टी मिठाई बनाए, जो भी खाएगा वो तारीफ किए बिना रह नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको लेना है एक पैन। पैन में आपको एक कटोरी पानी डालना है और फिर आपको आधी कटोरी शक्कर डालना है और फिर आपको मिक्स कर देना है। ये रेसिपी आप मेजरमेंट से बनाइएगा और थोड़ा सा येलो फूड कलर डालना है और आपको चाशनी को पकाना है, जिस तरह की रसगुल्ले की चाशनी होती है ना, बस चिपचिपी सी, तो बस आपको भी उसी प्रकार से तैयार कर लेना है। तो लीजिए, चाशनी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे चाशनी ठंडी हो जाए। अब आपको घर की दूध की मलाई लेना है 2 चम्मच। मलाई ठंडी होनी चाहिए। साथ में आपको 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालना है और इसमें आपको बारीक चॉप करके काजू डाल देना है और साथ में आपको बारीक चॉप करके बादाम भी डालना है। ड्राई फ्रूट डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है और आपको अच्छे से मिक्स करना है। तो चलिए, ये भी हमारा काम हो चुका है। अब आपको लेना है ब्रेड। अब आपको गिलास लेना है और गिलास से आपको गोल गोल ब्रेड कट कर लेना है और फिर आपको इसी तरह से सभी को कंप्लीट करना है और एक ब्रेड लेते हुए जो हमने मलाई बनाई थी ना, उसी को स्प्रेड कर देना और ऊपर से आपको दूसरी ब्रेड को भी अच्छे से लगा देना है और फिर आपको चाशनी में एक ब्रेड को डिप करना है और फिर आपको डेसिकेट में इसे कोट करना है। अच्छे से कोट कर दीजिएगा, बहुत ही टेस्टी मिठाई लगती है फ्रेंड्स। आप भी इस मिठाई को जरूर ट्राई कीजिए, जो भी खाएगा आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो लीजिए, कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा इसमें टूटी फूटी से गार्निश कर देते हैं। साथ में पिस्ता भी मैंने कट करके ले लिए, इन्हें भी लगा दिया। इससे मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सुंदर लगती है और ऐसा लगता है जैसे हम मार्केट से लेकर आए। और सच में यकीन मानिए, ये देखिए मैं कट करके दिखा रही, बहुत ही डिलीशियस मिठाई है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस चलिए, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। वीडियो ज़्यादा भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।